अनएम्प्लॉयमेंट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह है हम इसको जरा डिस्कस करते हैं मैं टॉपिक ही लिख देता हूं अनएम्प्लॉयमेंट अब अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन जो है उसके पास सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि जरूरी है फॉर अ वोकेशन इज विलिंग टू वर्क एंड हेडी टू एक्नोलेज द गोइंग पे राइट कैन नॉट डिस्कवर वर्क इमीडिएटली यानी एक ऐसा बंदा आपके लिए मैं एग्जाम्पल कर देता हूं ये एक पर्सन है जी इसके पास तमाम वो वसाइल हैं नॉलेज है स्किल्स हैं बट ये बंदा जो है अपनी इस नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए जॉब नहीं ले पा रहा यानी उसकी जो पे होनी चाहिए ताकि वो अपने लाइवलीहुड को सिक्योर कर सके इस स्टेट में उसको वो वर्क नहीं मिल पा रहा जिसके वो एबल है तो इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली यानी अ पर्सन कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज नॉट गेटिंग द जॉब इजीली रिसर्च जी एक रिपोर्ट है ये पाइड एक रिपोर्ट है जी इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त जो है जी 4.5 परसेंट पिछले साल था जो कि 2021 में था और उसके बाद ये अनुप्लॉयमेंट 2022 में अगर हम देखें तो 6.2 परसेंट रहा और 2023 के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 6.4 परसेंट बन जाएगा और इसी के साथ जो है हम अगर बात करें 2021 के अंदर इस देयर एनी क्वेश्चन ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन जो है ये एक रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद जी नंबर ऑफ जॉबलेस की बात करें तो 2021 के अंदर कोई 6.65 मिलियन लोग जो है अनप्लाइड थे और उसी के साथ कोविड-19 के अंदर जो है कोविड-19 ने कोई पाकिस्तान में

हम सेकंड जो है जी इसको हम सोशल रख देते हैं सोशल काजेस और फिर जी थर्ड वन जो है जिसको हम जो है पॉलिटिकल काजेस बता देते हैं ठीक है ये मल्टीफेरियस डायमेंशन अन्प्लॉयमेंट सोश इकोनॉमिक क्या है जी सबसे पहले तो हमने जब फिक्स कर रहे थे हम एक्सपोर्ट को इस दौरान हमने देखा कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो बहुत ही डाउन है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट तो मैं यहां जरा आपके लिए डिस्कस कर देता हूं लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ठीक है उसके साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होना जब टेक्नोलॉजी जो है एक फर्म टेक्नोलॉजी को यूज करती है तो वो जो है अपने लेबर को शॉर्ट करती है तो ये भी एक रीजन है इकोनॉमिक में अन्प्लॉयमेंट का उसके बाद जी मेकेशन ऑफ एग्रीकल्चर आप देखिए आपकी जो लेबर फोर्स है मोर देन वो मोर देन लेबर फोर्स आपकी जो है वो एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड होती है अगर आपका एग्रीकल्चर जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाए आप मशीन का इस्तेमाल कर लें तो लेबर फोर्स तो तो डिक्लाइन कर जाएगी तो ये भी एक रीजन है उसके बाद जी कैपिटल लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हमारे अंदर जो मैंने डिस्कस की कि हमारी जो करेंसी जो है वो डाउनफॉल का शिकार है और उसके बाद इकोनॉमी हमारी जो है वो इफेक्टेड हो चुकी है और फिर ये जो टाइमली एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल टू दी फर्म या जो है डेवलपमेंट इंडस्ट्री नहीं मिलती तो ये जो है फिर एक जो है वो कंट्री उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाती इसी के साथ हम अगर डिस्कस करें तो फॉरेन जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी रिडक्शन हुई है कोविड के बाद आपने देखा कि सेग्रीगेशन कर दी गई उन्होंने कुछ सेंक्शन लगा दिए ट्रेवल बैंस हो गए और फिर जो है स्किल्स की बात होती है वो मैं आपको डिस्कस कर दूं कि हमारे जो लेबर फोर्स है आजकल वो टेक्निकल स्किल्स उनके पास नहीं है ताकि वो फॉरेन में जो है जॉब एक्सेस कर सके फिर लो इन्वेस्टमेंट क्योंकि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो नहीं रही इन्वेस्टर्स जो है वो डर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक और फिर जो है वो मेजर कास रहा है तो जब तक गवर्नमेंट का रोल नहीं होता कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेकर देगी गवर्नमेंट एक्सेस प्रोवाइड करती है आपको सेटअप करके देती है तो इसी सेंस में फिर जो है हम देखें तो लो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग जो है वो भी इकोनॉमिक में रीजन है तो जरा ये इकोनॉमिक रीजन हो गए अब जरा हम सोशल रीजन को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला तो भी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है जितनी आबादी बढ़ती जा रही है उतनी रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं बढ़ती हुई आबादी के लिए इन सिचुएशंस में जॉब बहुत ही मुश्किल से फिर इलिट्रेसी सबसे ज्यादा तालीम का ना होना या फिर लो लिटरेसी जिसकी बात मैं कह रहा था कि स्किल्स की लेवल की हमारा लेबर सिक्सटी परसेंट जो लेबर है वो अनस्किल्ड है कोई ट्वेंटी थर्टी परसेंट जो है वो स्किल्ड है और टेन परसेंट जो है वो मिडिल पर है सेमी स्किल्ड जिसको कहते हैं और फिर रूरल अर्बन माइग्रेशन अब जब एक बंदा एक सिटी जो है जो है सरहद से वो लाहौर की तरफ आएगा तो लाहौर में तो वैसे भी अगर आप देखें कंपटीशन राइज है तो जॉब सिक्योरिटी जो है वो लाहौर के बाशिंदो के लिए कम पड़ गई है तो जब सरहद से आया हुआ बंदा वहां पे रहेगा तो वो भी जॉब की तलाश करेगा तो क्या होगा कॉम्पिटिशन हो सोसाइटी के बीच में और फिर उसके बाद जीदड़ की मौत होती है पॉवर्टी कुर्बत सबसे ज्यादा है हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे और फिर उसके साथ जी हम बात करते हैं फॉरेन रेफ्यूजी का होना ये भी एक जो है स्टेट पर बर्डन है और फिर हम जो है नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का सेंस मेरिटोक्रेसी का ना होना और फिर हम देखते हैं कि ये जो आ, सिर्फ पर्टिकुलर जॉब्स की तरफ आप जाते हैं कुछ पर्सन जो है अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए भी है क्योंकि हमारी यूथ जो है कोई पर्टिकुलर जॉब सिलेक्ट करना चाहती है तो इस सेंस में वो आ, जो अपना करियर गवर्नमेंट जॉब्स की बुक ना तो दैट इज हमारी ये जो सीजनल वेरिएशन हो रहा है इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज होता जा रहा है

और फिर जो है वो आपको ठीक से गाइडेंस ना मिलना आप जो है फिर किसी से सेलेक्टिव गाइडेंस लेकर और फिर जो है उनकी अपनी फील्ड में भी अंदर कॉम्पिटिशन और फिर मेरिटोक्रेसी ना होना क्योंकि एक डॉक्टर को अगर रेजिडेंसी चाहिए किसी फेलोशिप चाहिए पी एस करना है तो मेरिटोक्रेसी के सिस्टम के मुताबिक तो वहां कॉन्सेप्ट नहीं चलता अगर एक आ, मैं आपको एक एनएट सुनाता हूँ कि एक कोई बंदा है वो आ, एक सिटी से सखर से डॉक्टरशिप कर एमबीबीएस कोर्स करता है अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए वो जिना में जिनासिन मेडिकल में अप्लाई करता है कि मुझे यहाँ पर प्रैक्टिसिंग के लिए अलाउ कर दिया जाए लेकिन वहां पर तो तो नेपोटिज्म और है उसको अपनी प्रैक्टिसिंग के के लिए के लिए अलाउ नहीं किया गया तो फिर वो क्या करेगा वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ इस कॉम्पिटिशन की तरफ और फिर हम पोलिटिकल की बात कर लें पोलिटिकल काजेज में तो जी पोलिटिकल काजेज में सबसे बड़ा काज जी मिसगवर्नेस है और फिर जो है हम देखते हैं कि ये जो करप्शन का सेंस है करप्शन को आप कह दें और फिर आप अगर बात करें तो ये एजुकेशनल अपर ये जो आ, हमारे पास बेड लाइन ऑर्डर है और फिर एनर्जी क्राइसिस भी टू सम एक्सटेंट सबसे ज्यादा एनर्जी क्राइसिस ने क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद कर दी वो शिफ्ट कर गए अपनी फॉरेन कंट्रीज में एनर्जी क्राइसिस की वजह से और इकोनॉमी के अंदर भी सबसे बड़ा रोल जी एनर्जी क्राइसिस का है तो ये और फिर जो है जी हाई एज ऑफ रिटायरमेंट कि जो 60 इयर्स है वो एक बड़ी एज है और यूथ हमारी सबसे ज्यादा आ, वो हमारी जो है पॉपुलेशन का सबसे बड़ा एक रेट है तो फिर ये भी एक काज है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का तो सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल डेमोग्राफिक चेंजेस की तरफ जाए गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा जिस तरह की हालात बनते जा रहे हैं तो वी शुड है स्टेट लेवल गवर्नमेंट क्योंकि आल दो के

कर सके इस इकोनॉमिक uh, तो है। है तो रिसोर्सूड कर सकते हैं कि हमारी जो है, उसको आप कर को कर और फिर टेक्निकल एजुकेशन प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल्स और फिर मेरिटोक्रेसी के सिस्टम को प्रमोट करना है तो जी ये जो है उसके बाद फिर जॉब ऑन मेरिट यानी ग्रोथ करनी चाहिए हमें वही स्मॉल और मीडियम स्किल्ड Re, ज करना चाहिए फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जो क्रिएटर और फिर आप इम्प्रूव करें लॉ एंड ऑर्डर को दिस इज फॉरवर्ड एंड ऑनली फोर मिनट लेफ्टिसक्चर्स Uh, but we will continue it from tomorrow. Inshallah we will try to कंटिन्यू इट फ्राम टमारो इनशाई टू इंक्रीज अवर टाइम फॉर मोर and वन एंड हाफ आवर एंड आई होप यूड this session. अगर आपके कोई uh, कोई अपने कंसर्न शो करना चाहे किसी के बारे में कोई मतलब अपने व्यूज बताने चाहे और किसी का क्वेश्चन हो हमसे कि हम, से हम हमारा सेटअप क्या है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं आपके पास अभी हमारे पास थ्री मंथ मिनट लेफ्ट है मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ